डीकेटी यूपीएससी सीएससी। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अक्षय अशोक प्रकाशकर। मेरा इस साल इंडियन फॉरेस्ट यूपीसी के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 25 आया है और इस वीडियो में मैं अपनी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्ट्रैटेजी और मेरी जर्नी कैसी रही है मैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज़ वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, अदर बींग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज़ मोस्टली अ टेक्निकल सर्विस विच हैज़ डिफरेंट मेन्स। एक मेन्स डिफरेंट, उसकी मेन्स डिफरेंट रहती है और प्रिलिम्स उसकी कॉमन, एक कॉमन प्रिलिम्स रहती है। और ये तीन स्टेजेस में कंडक्ट की जाती है एग्ज़ाम, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन मेन्स एंड देन इंटरव्यू स्टेज। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इसके बारे में अगर बताया जाए, सर्विस के बारे में अगर बताया जाए, तो ये एक बहुत डायनेमिक सर्विस है। इट गिव्स अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस और आजकल इस सर्विस का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस एंड फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस जो कि बढ़ रहा है इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वजह से, तो इस सर्विस का भी इम्पोर्टेंस साथ साथ में काफ़ी बढ़ रहा है। तो काफ़ी नेचर एंथुजियास्ट जो कैंडिडेट्स है वो इस सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। मेरा भी पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री में हुआ था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से। तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में आकर यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की एक्सक्लूसिवली फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज। और फिर मैंने प्रीलिम्स दिया, तो पहले तीन अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, उसके बाद फिर मेरा प्रीलिम्स निकला और फिर अभी मेरा रैंक 25 आया है। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि ये तीन स्टेजेस कैसे हैं, हर स्टेज को कैसे टैकल किया जाए और मोस्टली डिफ़िकल्टी जो स्पेशली फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनको डिफ़िकल्टी किस लेवल पे आती है। तो अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एक्सक्लूसिवली उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको डिफ़िकल्टी मेनली प्रिलिम्स लेवल पे आती है। प्रिलिम्स इज़ द मेन स्टेपिंग स्टोन और इट इज़ ऑल्सो स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर दोज पीपल हु आर एक्सक्लूसिवली प्रिपेयरिंग एस्पायरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैंने सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें की। मैंने अपनी गलतियाँ बताऊँगा, क्योंकि गलतियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हमें हमारी अच्छाइयों से ज़्यादा हमारी गलतियाँ सबसे इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए। तो मुझे मेरी गलतियाँ पता चली, कुछ लोग मिले मुझे, उन्होंने मेरी गलतियाँ मुझे समझाई कि पहले तीन अटैम्प्ट में मैंने कहाँ गलती की। तो मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ता था और उसका रिविज़न इनफ वगैरह नहीं होता था। तो सबसे पहले तो मैंने अपना रिविज़न स्ट्रैटेजी बनाया कि मुझे एक बुक बार बार रिवाइज़ करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक है, एंशियंट एंड मिडिवल के लिए आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा रिस्पेक्टिवली ये बुक्स है, तो एक्सेट्रा इस तरीके की बुक्स है। तो मैंने कम से कम इन बुक्स को 10 बार रिवाइज़ किया प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद फिर मैंने जब प्री पास आई, तब मैंने एक से दो महीना पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज़ किए मैंने प्रीलिम्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के प्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ सिविल सर्विसेज से 15-20 मार्क्स हायर होता है। तो यू हैव अ मच लाइक बिग हायर गोल टू अचीव फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज इन द प्रीलिम्स। तो एक बार अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो एवरीथिंग बिकम्स एन ईजी फॉर यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिविज़न बहुत अच्छा चाहिए। रिविज़न से एक चीज़ होती है कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। तो बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन, और ये चीज़ प्रीलिम्स की जो चीज़ है, ये जो सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये आपके फॉरेस्ट सर्विसेज के जीके पेपर में, मेंस के जीके पेपर में भी काम आते हैं। तो मैंने सबसे पहले कंसिस्टेंटली उसका 10 बार रिविज़न किया, उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज़ किए कि कहाँ किस एरिया से क्वेश्चन बन रहे हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने फिर गेसवर्क स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की कि कुछ, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक से होते हैं, उसके बाद जो फॉरेस्ट सर्विस का अगर कट ऑफ आपको क्लियर करना है तो आपको कुछ हद तक, काफ़ी हद तक स्मार्ट गेसवर्क और थोड़ा सा लॉजिकली आंसर सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है
उसको आप उस पर आपको निर्भर करना पड़ता है। सो 15 से 20 मार्क का जो गैप होता है आपका आपका उसी से ब्रिज अप होगा। सेकेंड स्टेज आती है मेंस एग्जामिनेशन की। तो फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बीइंग अ टेक्निकल सर्विस, ये मेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर्स। वन इज इंग्लिश, देन सेकेंड इज जनरल नॉलेज। इन द सिविल सर्विसेज देर इज अ GS, इट इज द सेम इन द फॉरेस्ट सर्विसेज बट इज नोन एज GK, जनरल नॉलेज। एंड देर आर टू ऑप्शनल पेपर। सो फॉर मी आई सिलेक्टेड जुअलॉजी विच वॉज माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड फॉरेस्ट्री विच वॉज माई पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज माई ऑप्शनल। सो इंग्लिश आई प्रिपेयर्ड थ्रू द व्रेन एंड मार्टिन रेड बुक एंड इट इज क्वाइट ईजी टू प्रिपेयर। यू कैन प्रिपेयर इंग्लिश विद इन वन मंथ एंड वन एंड हाफ मंथ यू कैन प्रिपेयर इंग्लिश ईजीली। एंड फॉर द GK पार्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन प्रिपेयर द GK वाइल वेन यू आर रीडिंग फॉर द प्रिलिम्स ओनली, बिकॉज द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द GK पेपर आर द सेम फ्रॉम दैट पार्ट, द एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। एंड फॉर दिस पेपर यू ऑल्सो नीड टू रिलाय ऑन द सम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स एंड सम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स एज वेल। सो यू विल गेट टू नो दैट वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर बींग आस्क्ड इन द फॉरेस्ट दिस GK पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाँच साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब एनालिसिस आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं GK के पेपर में। और दूसरी बात ये रही कि जब आप GK का पेपर में, एक चीज़ रहती है कि यहाँ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो रहता है वो बहुत स्पेसिफिक पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको 9th and 10th की NCERT, देन अगेन 11th and 12th की NCERT और कुछ स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है, मतलब स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा, नैनो टेक्नोलॉजी रहा, तो ये भी आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उनको स्पेसिफिकली आपको मतलब टू द पॉइंट आपको मेंस में लिखना पड़ता है फॉरेस्ट सर्विसेज के। तो मैंने ये प्रिपेयर किए थे, रवि अग्रहरि की बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है, तो उसमें से मैंने ये प्रिपेयर किए। और फॉर द ऑप्शनल पार्ट, द ऑप्शनल इज द थर्ड पार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस सर्विस, दिस मेंस इज द ऑप्शनल। तो एक ऑप्शनल ही है जो आपको इंटरव्यू के स्टेज तक लेके जा सकता है, क्योंकि यू नीड टू बी वेरी थरो विथ योर ऑप्शनल पेपर्स। तो मेरा ऑप्शनल का स्ट्रेटजी इस तरीके से था कि मैंने दोनों ऑप्शनल्स के लिए स्पेसिफिकली रेफरेंस बुक यूज़ की थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज, आई हैड एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर माय ऑप्शनल इन डिटेल। सो मैंने फॉरेस्ट्री के लिए तो मणिकंदन वगैरह की बुक नहीं पढ़ी। जिनके पास टाइम कम है, मतलब जो शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर कर रहे हैं, एक महीना हो या फिर दो महीने बचे हैं, वो मणिकंदन पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने मोस्टली फॉरेस्ट्री के लिए LS खन्ना की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिल्वीकल्चर एंड देन मेंसुरेशन के लिए LS खन्ना की किताबें यूज़ की, और राम प्रकाश फॉरेस्ट मैनेजमेंट बाय राम प्रकाश, और ऐसी चीज़ें मैंने उसके लिए यूज़ की फॉरेस्ट्री के लिए, और मैंने खुद के नोट्स बनाए। ये दो ऑप्शनल ऐसे हैं कि आपको खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और खुद के नोट्स कंसिस्टेंटली रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर द प्रीलिम्स मेरे ये नोट्स रेडी थे। तो आपके प्रीलिम्स से पहले, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपके प्रीलिम्स से पहले दोनों ऑप्शनल के नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। कुछ ऑप्शनल्स हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो आसानी से, फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी जैसे ऑप्शनल आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन बाकी अगर जियोलॉजी की बात करें तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने इस ऑप्शनल को देने पड़ते हैं। ये है, और ये एक स्ट्रैटेजी। और दूसरी है फॉरेस्ट्री की। तो मैंने बताया कि नोट्स आपके रेडी होने चाहिए और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपको ये कंसिस्टेंटली आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। और मैंने तीसरी इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शनल के लिए स्ट्रैटेजी की कि मैंने बिना किसी क्लासेस में अपना टेस्ट सीरीज लगाने के बजाय मैंने अपने खुद के ये बना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, उनको टॉपिक वाइज सॉर्टिंग किया, और मैंने ये सारे क्वेश्चन पेपर मैंने एक 500 पेजेस की नोटबुक पे लिखे। और आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ एक टॉपिक, कोई फॉरेस्ट्री का, सपोज फॉरेस्ट मेंसुरेशन का कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो आज मैंने अगर पढ़ा वो टॉपिक, तो
नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई विल गोइंग टू राइट दोज ऑल द क्वेश्चन पेपर विच आर आस्क्ड इन द प्रीवियस पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम गोइंग टू राइट ऑल दोज क्वेश्चंस. तो इसी तरीके से मेरे एक एक टॉपिक प्रिपेयर होते गए और साइमल्टेनियसली मेरा रिविजन भी होते गया. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑप्शनल का आप पेपर लिखते हो तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनटू द फॉरेस्ट्री और एनी अदर ऑप्शनल, क्योंकि ये टेक्निकल साइंस बेस्ड ऑप्शनल होते हैं मोस्टली, तो डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आप मेरे जो दोनों पेपर्स थे तो मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैंने अपना डायग्राम्स ड्रॉ किए थे. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कलर पेन यूज़ करो, कलर कोई पेंसिल यूज़ करो, ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मैंने सिर्फ ब्लू पेन से लिखा था. तो एंड दैट डजंट लाइक कुछ लोग कहते हैं कि कलर पेन यूज़ करना चाहिए, कलर पेंसिल यूज़ करना चाहिए, उससे मार्क एनहांस होते, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ मार्क्स एनहांस होता होगा. तो ये स्ट्रैटेजी मैंने ऑप्शनल्स के लिए फॉलो की है. और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपने जो बल्कि आपके शायद से बल्कि नोट्स बन गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए. और अगर बल्कि नोट्स बन गए हैं तो एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले, उसी से शॉर्ट नोट्स आर और फिर से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के 15-20 दिन में आपको वो रिवाइज़ करने के लिए काम आ सके. ये रही ओवरऑल मेंस की स्ट्रैटेजी, फॉरेस्ट के मेंस की स्ट्रैटेजी. अब आते हैं इंटरव्यू स्टेज पे. इंटरव्यू में आपको फॉरेस्ट का इंटरव्यू सिविल्स के इंटरव्यू से थोड़ा अलग होता है. पैनल सेम होते हैं, पैनल मेंबर्स भी सेम होते हैं, लेकिन इंटरव्यू थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा होता है. आपको साइंटिफिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल किसी बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी कन्वेंशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपके बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री में किया है FRI देहरादून से, और मेरा थीसिस भी वर्क वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पर था, तो मुझे पैनल ने ज़्यादातर उसी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस पूछे, FRI पे क्वेश्चन पूछे. तो फॉरेस्ट सर्विसेज में ये बात है कि आपको आपके डोमेन पे ज़्यादातर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं. आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हो तो आपको नेचर बेस्ड और इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं. डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड. सम इंजीनियर्स आर आस्क्ड अबाउट, सम माइनिंग इंजीनियर्स को माइनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. तो ऐसे इस तरीके से होते रहता है. तो आपको इंटरव्यू के लिए भी एक इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आपको अगर आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको पोलाइटली वहाँ पे एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्टेंस एट द इंटरव्यू स्टेज इज़ द की टू योर सक्सेस, की टू गेट मोर मार्क्स. मुझे कई सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स नहीं आए और मैंने वो पोलाइटली एक्सेप्ट किया था, और उसी चीज़ से मुझे लगता है मुझे इंटरव्यू में 204 मार्क्स थे इंटरव्यू में, तो उसी चीज़ की वजह से आपके मार्क्स एनहांस हो सकते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक एक्सेप्टेंस है कि आप क्या हो, आप कैसे हो, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप में जो आंसर्स आपको पता है आप किस तरीके से दे रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, आप उसमें फंबल कर रहे हो या फिर कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो दैट मे क्रिएट अ ब्लंडर ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज. तो ये रही पूरी IFS एग्जामिनेशन की जनरल स्ट्रैटेजी. एंड ऑल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.